ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि तुम भेस बदलने वाली में से हो। तुम पहले प्रज्ञा जैसी दिखती थी या प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आई हो? लेकिन मुझे ना आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना, मुझे नहाने जाने दीजिए। नहाने तो पहले मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगी। तुम कैसे जाओगी? मैं देखता हूँ। मैं ठीक है, ले सु मांडोली। ओके, एक गेम खेलते हैं। मुझे नहीं खेलनी आपकी कोई स्टूपिड गेम। छोटी सी गेम है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जो गेम जीता वो नहाने चला जाएगा। तो नहाने से पहले हम क्या करते हैं? नहाने से पहले नल चलाते हैं, सर पे पानी डालते हैं। नल चलाने से पहले क्या करते हैं? कपड़े उतार। वही तो तीन की गिनती के बाद सबसे पहले अपने कपड़े उतारेगा वही जीतेगा। और अब सच में मैं चाहता हूँ कि तुम जीत। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ। प्लीज जीत जाओ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज जीत। नहीं देखिए, नहीं आप ये शर्मा क्या है? आपका कोई कैमरा भी नहीं। प्लीज जीतो। नहीं 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 नहीं, प्लीज जीतो। नहीं 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 नहीं, देखिए टिक टिक। नहीं नहीं, देखिए क्या क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं कर सकते। अरे ऐसे नहीं कर सकते। मैं जीत गया। आप बैठ के हिसाब से नहाने तो पहले मैं ही जाऊंगा। तुम ना एक काम करना, इस टी शर्ट को कड़क से इस्त्री करके तैयार रखना। और अब हम तैयार होकर आते हैं। दासी दासी दासी, अभी ने ये तो कमाल ही कर दिया। ये जो मुन्नी है ना, इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए था। तू सबक की बात कर रही है? तू देखना, वो छठी का दूध तो भूल सकती है लेकिन इस सबक को नहीं भूल सकती। अब वो जैसे कमरे में पहुंचेगी ना, उससे वक्त करारे का झटका लगेगा कि वो भी याद रखेगी। क्या है? ये मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ खड़े होकर इनकी फालतू की बातें सुनने जा रही हूँ। तो क्या हुआ अगर उस प्रज्ञा से पहले अभी नहाने चला जाएगा? प्रज्ञा को झटका लगे बोले जा रहे? झटका माय फुट। प्रज्ञा को कितना भी झटका लगे, मुझे क्या? उस अभी को झटका लगे तो मजा है। 440 का नहीं, 880 वोल्ट का झटका लगे और ऐसा लगे कि लाइफ में दोबारा। वाओ, व्हाट एन आइडिया! ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों ना उस अभी को बिजली का झटका देकर ही मार दिया जाए? बिजली के झटके से उसके घर में ही उसकी मौत हो जाए, मेरा काम भी हो जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। यस, दिस इज सच एन अमेजिंग आइडिया। बट पहले मुझे जाकर ये देखना होगा कि वो बाथरूम में है या नहीं, कहीं वो प्रज्ञा उसे फिर से ना बचा ले। क्या करूं, एक तो भूख भी लग रही है और नहाए बगैर खा भी नहीं सकती, और ये कि हमेशा मुझे तंग ही करते रहते हैं। यस, हरा दिया मैंने उस चिपकली को। बस अब ऐसे ही मैं उसे हर रोज तंग करूंगा और वो खुद ही परेशान होकर घर छोड़ के चली जाएगी। मेरे घर में ढोस जमाएगी, मेरी प्रज्ञा की एक्टिंग करेगी। ये कर क्या रहे हैं अंदर? सो तो नहीं गए? सुनिए, आप नहा भी रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे पानी की आवाज तो आ नहीं रही। हाँ, पानी की आवाज कैसे आएगी? मैं शावर में थोड़ी ना नहा रहा हूं, मैं तो टब में नहा रहा हूं ना, बूंद बूंद अपने ऊपर गिरा रहा हूं, घिसाई कर रहा हूं, तो पानी की आवाज कैसे आएगी? आप जानबूझ के कर रहे हैं ना ये सब, जानबूझकर इतनी देर तक ना आ रहे ताकि मुझे देर हो जाए, और आप जानते मैं नहाए बगैर नहीं खा सकती और मैं भूखी रह जाऊंगी। ओए चिपकली, मैं कोई हिप्पो जो पानी में बैठा रहूंगा? देखो, मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये सब बोलकर तुमने मुझे एक बढ़िया सा आइडिया दे दिया। अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें भूखा रखने का नहीं, गरम गरम पानी में नहाने का। वो क्या, गरम पानी में सारी थकान निकल जाती है ना, तो जो तुमसे बहस करने में आती है। देखिए, अगर मैं अंदर हूं और मैं बाहर आकर देखना नहीं चाहता,
और तुम भी प्लीज अंदर कुछ देखने की कोशिश मत करना। अब जाओ वरना स्पा भी लेना शुरू कर दूंगा। ओके मैं जानती हूँ जानबूझकर मुझे तंग कर रहे, इतनी देर तक बाथटब में बैठे रहेंगे ताकि मैं भूखी बैठी रहूं। मुझे तंग कर रहे हैं ना, मैं भी सबक सिखाती हूँ। क्या करूं, क्या क्या, एक तो कपड़े नहीं डिसाइड होते इनसे, सारे के सारे कपड़े निकाल रखे ताकि। अरे हाँ, ये सारे के सारे कपड़े छुपा देती हूँ, जब कपड़े नहीं मिलेंगे तो पहनेंगे क्या, फिर बैठे रहेंगे बाथटब में हिप्पो बनकर। वाह, ये प्लान तो खुद ब खुद बनता जा रहा है। मैंने जाल बिछाया भी नहीं और शिकार खुद जाल में फंसने को आ गया। अभी बाथरूम के अंदर टब में बात ले रहा है और अब अगर उसी टब में बात लेते लेते पानी में करंट आ जाए तो वही बाथ टब में मिस्टर अभी की अर्थी बन जाएगी। वो वही मर जाएगा और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। वाह, दिस इज परफेक्ट। मुझे अभी अपने प्लान को एक्शन देना होगा। बाहर आएंगे तो मजा आएगा, मुझे परेशान कर रहे थे। बाहर आएंगे इनको कपड़े ही नहीं मिलेंगे और मैं जाकर बहुत देर तक अंदर गर्म पानी से नहाऊंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि वेट करने का मतलब क्या होता है। बस अब मुझे इसे इस घर के वाटर टैंक में डालना है और उसके बाद पूरे घर के पानी में करंट होगा और जब वो अभी उस करंट वाले पानी में नहाएगा तो तड़प तड़प के मरेगा। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि बाथरूम अंदर से लॉक होगा। सुनिए, समय नहीं है तुम्हारे पास और तुम्हारे पति के खिलाफ जो खतरा है ना वो तो बढ़ता ही जा रहा है। सुनिए प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। आता है ना, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। हार का बदला लिया तुमने मुझसे? हार? हाँ, मैं तुमसे पहले नहाने गया था ना तो तुमसे देखा नहीं गया और तुमने वो सब कुछ किया। मैंने क्या किया? मैं तो बाहर थी। अरे बाहर अंदर से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अंडरवर्ल्ड की चिपकली हो, बाहर से अंदर ऑपरेट कर सकती हो तुम। लेकिन मैंने किया क्या है? नल से गर्म पानी निकाल कर मुझे जलाने की कोशिश की तुमने। अरे गर्म पानी आ रहा था तो ठंडा पानी मिक्स कर लेते। वही तो तुमने किया ना, तुमने ठंडे पानी का सप्लाई बंद कर दिया था कि गर्म पानी में मैं जल जाओ, झुलस जाओ, मेरी स्किन खराब हो जाए, मैं बच्चों दिखूं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? वाह, इनोसेंट बनने की एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर लेती हो तुम, लेकिन तुम पर सूट नहीं करता पता है। अगर मेरी फुकी होती ना तो मैं, मुझे यकीन होता कि वो ऐसा मेरे बारे में नहीं सोचती, लेकिन तुम तो कुछ भी कर सकती हो। देखिए मैं मानती हूँ मैंने बदल लिया, लेकिन मैंने वो क्या? मैंने वो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैं तो बाहर वेट कर रही थी। तुम वो भी कर रही हो, तुम कुछ भी कर रही हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम मुझे जलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती? अरे मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया तो फिर गर्म पानी आया कैसे? मुझे कैसे पता होगा? अगर नहीं पता तो पता करो ना। अपने आप घर की होम मिनिस्टर बोलती हो, कुछ पता नहीं है, मुझ पर हमला हुआ है, द हाउस इज अंडर सीज, गो सी। आपने ना ठीक से चेक नहीं किया होगा, मैं जाकर चेक करती हूं। गो चेक मी आउट। बहुत हैंडसम लग रहे। थैंक्स।
यही वो वाटर टैंक है जिससे घर के सारे बाथरूम्स में पानी जाता है। बस अब मुझे ये वायर्स इस वाटर टैंक के अंदर डालने, फिर पानी के साथ साथ पूरे घर में करंट भी दौड़ेगा। ये भी ना बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। पानी गर्म आ रहा है तो ठंडा पानी मिला लेना चाहिए था, लेकिन इनको सब किया कराया चाहिए। पानी तो वाकई बहुत गर्म है। कोई बात नहीं, मैं ठंडा पानी मिक्स कर देती हूँ। ठंडा पानी क्यों नहीं आ रहा? मरने के बाद तो सभी नहाते हैं मिस्टर अभी, पर तुम तो नहाते नहाते मरने वाले। देखती हूं अब तुम्हें कौन बचाएगा। ये मेरा सपना है कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूं। आई एम सो हैप्पी यू विल सून बी डेड अभी। हेलो, तुम पानी चेक कर रही हो, पानी से खेल रही हो? तुम अंदर नहाने तो नहीं लग गई ना? कोई जवाब नहीं आ रहा। कहीं इसने मुझे उल्लू तो नहीं बना दिया? मैं यहां बाहर वेट कर रहा हूं और ये अंदर नहा रही हो। ओह नो, किसका डर? क्या करूं, क्या करूं? ठंडा पानी नहीं आ रहा क्या? पानी में करंट कैसे है? और वो भी इतना हाई वोल्टेज। बाथरूम में कहीं वाटर हीटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कैसे हो सकता है? पिछले हफ्ते ही तो इलेक्ट्रिशियन आके सब कुछ चेक करके गया। लेकिन प्रॉब्लम तो हीटर में ही होगी ना। मैं जाकर चेक करती हूँ। तुमने आने में इतनी देर क्यों करी? तुम नहाकर तो नहीं आई हो ना? नहीं, नहाकर नहीं। वो आप ठीक कह रहे थे, पानी बहुत गर्म है, ठंडा पानी नहीं आ रहा। मैं जाकर सेंट्रल हीटर चेक करती हूँ, वहां कोई गड़बड़ होगी। आप अंदर मत जाइए। आप यहाँ ऐसे खड़े रहिए, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ऐसे खड़ा रहूँ बाथरूम में अपने कमरे में? नहीं नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है, मैं जा रहा हूँ। क्या शर्म आती? आपको तो बड़ा शौक है कपड़े उतारने का, खड़े रहिए ऐसे। मैं ऐसा नहीं खड़ा रहूंगा, मैं जा रहा हूँ अंदर। अरे मैंने कहा ना खड़े रहिए, तो बस खड़े रहिए। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? नहीं नहीं ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज अंदर मत जाइए। लेकिन क्यों?
अंदर पानी बहुत गर्म है ना, आप जल जाएंगे। यही तो तुम चाहती हो कि मैं जलकर बाहर आऊं और तुम्हारा बारबेक्यू हो जाए? देखिए, ये सब बातें करने का भी वक्त नहीं है। आप बस जब तक मैं वापस नहीं आती ना, अंदर मत जाइए। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप अंदर नहीं जाएंगे। ओके, प्रॉमिस। फुगी वाला प्रॉमिस। फुगी वाला प्रॉमिस मतलब? जब तक मैं वापस नहीं आती, आप अंदर नहीं जाएंगे। आप मुझे छू के प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, तुमने फुगी का नाम लिया है तो थैंक यू। मैं बस अभी आई। बेचारा नहाने चला गया तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। जो भी है, अभी के साथ साथ अगर कोई और भगवान को प्यारा होता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट बी माय बोनस पॉइंट। अब जब वो अभी पानी को छुएगा तो उसके पूरी बॉडी में करंट दौड़ेगा और वो उसका खून सूख जाएगा। उसकी लाश देखने लायक नहीं होगी।